नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा पाँचवीं की हिंदी की बुक का पाठ नंबर एक करेंगे, जिसका नाम है भारत माता के चरणों में। ए भारत के धन्य जनों, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। इस कविता में छोटे बच्चे भारत माँ से लोगों से ये प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि भारत के भाग्यशाली लोगों, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। भारत माता के चरणों में हमें अपना शीश निवाना है। भारत माता वह जिसने जिसके चरणों में हम रहते हैं, जो जहाँ पर हमने जन्म लिया है, उसके चरणों में हमें अपना सर जो है झुकाना है। उसने हमको दिया है जीवन, हमें अपना लक्ष्य बनाना है। जिस भारत माता ने हमें जन्म दिया है, हमें अपना लक्ष्य बनाना है, हमें यही अपना लक्ष्य बनाना है कि हम उसके चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करें और उसकी सेवा करें। जीवन की राहों को अपनी और आसान बनाना है। हमारे जीवन की राहों में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उन्हें आसान बनाते हुए चलते रहना है। शत शत है परिणाम उसे जो दुनिया सारी बनाता है। शत शत का अर्थ है सौ सौ बार है प्रणाम उसे। हम उसे सौ सौ बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। धन्यवाद है बार बार जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। हम उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं, जो हमें हमारे जीवन की मंजिल तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। अब नीचे हमारे शब्दार्थ आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ें। धन्य का अर्थ होता है सौभाग्यशाली या भाग्यवान। जनों का अर्थ होता है व्यक्तियों या मानवों। कर्तव्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी या फर्ज। चरण का अर्थ होता है पैर या कदम। आगे हमारा आता है शीश। शीश का अर्थ होता है मस्तक या सिर। नवाना का अर्थ है झुकाना। लक्ष्य का अर्थ होता है मंजिल या निशाना। राह का अर्थ होता है रास्ता या पथ। शत शत बार का अर्थ होता है सैकड़ों बार। अगला है हमारा प्रणाम। प्रणाम का अर्थ नमस्कार या अभिवादन होता है। आसान का अर्थ होता है सरल। धन्यवाद का अर्थ होता है आभार व्यक्त करना या शुक्रिया कहना। आगे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिनका निशान मैंने लगाया है। आप सभी भी अपनी बुक में इनका निशान लगाएं। नंबर एक जो हमारा प्रश्न है वो है, बालक किसकी वंदना कर रहे हैं? तो इसका आएगा ए, भारत माता की। प्रश्न नंबर दो है, भारत में रहने वाला कहलाता है भारतीय। ब आएगा इसका उत्तर। कोष्ठ में दिए सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। इसमें पीछे दिया हुआ है, हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, कर्तव्य या धर्म। तो हमें भरना है कर्तव्य। हमें अपना शीश नवाना है। पीछे दिया गया है शीश या सिर, तो इनमें से दोनों में से आएगा शीश। तीसरे नंबर पर है हमारा, जो दुनिया सारी बनाता है। दुनिया या संसार में से आएगा दुनिया। चौथे नंबर पे है, जो हमें खालिस्तान तक पहुंचाता है। लक्ष्य या निशाना, लक्ष्य। अगला प्रश्न है हमारा, इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। सबसे पहला हमारा शब्द है कर्तव्य।
कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य होता है या कर्तव्य है। दूसरा आता है नवाना। नवाना का अर्थ होता है झुकाना। हमें ईश्वर के सामने शीश नवाना चाहिए। नंबर 3 पर आता है हमारा धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ होता है आभार व्यक्त करना या आभार। सहायता करने वालों का धन्यवाद करना चाहिए। नंबर 4 पर है प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार करना। हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 5 पर है लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ होता है मंजिल या निशाना। लक्ष्यहीन मनुष्य पशु के समान है। इन वाक्यों को आप अपने वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों को लेकर। अगला प्रश्न है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है जो भारत में रहता हो। भारत में रहने वाले को क्या कहा जाएगा? भारतीय। अगला हमारा नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहा जाता है आस्तिक। नंबर 3 पर है जो संसार का निर्माण करता हो उसे बोला जाता है सृजनहार। नंबर 4 पर है राह में चलने वाला राही या राहगीर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पर इस तरफ जो है बहुवचन दिए गए हैं, हमें इनका एक वचन बनाना है। जनों का अर्थ होता है बहुत सारे लोग, कई लोग, तो इसका एक वचन होगा जन। अपनों का आएगा एक वचन अपना। चरणों का आता है चरण। शीशों का आएगा शीश। अब इधर हमें एक वचन दिया गया है और उनका हमें बहुवचन में प्रयोग करना है या बहुवचन बनाना है। लक्ष्य का बहुवचन होता है लक्ष्यों। हम का बहुवचन होगा हमें। राह का बहुवचन होता है राहे। और निशाना का बहुवचन होगा निशाने। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। भारत का आएगा हिंदुस्तान। शीश का होता है सिर। राह का आएगा रास्ता। दुनिया का आएगा संसार। धन्य का होता है भाग्यशाली या सौभाग्यशाली। लक्ष्य का आएगा मंजिल या निशाना। फूल का होता है पुष्प। और जीवन का होता है जिंदगी। आज हम इतना ही करेंगे। अगले जो ये प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं ये हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।